नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको बताएंगे साल के पहले और आखिरी सूर्य ग्रहण के बारे में, किन खास बातों का आपको ख्याल रखना है। आपको बता दें कि शनिवार रात 10:14 पर सूतक शुरू होगा, जो कि रविवार दोपहर तक, जब तक सूर्य ग्रहण रहेगा तब तक रहेगा। उस दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना है देखिए। रविवार की सुबह साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, जो भारत में दिखेगा। सुबह 10:14 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा। इसका सूतक शनिवार रात 10:14 से शुरू होगा। सूतक के समय पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं। इस समय में सिर्फ मंत्र जाप कर सकते हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के अनुसार ग्रहण सुबह 10:14 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होने तक रहता है। ग्रहण खत्म होने के बाद पूजा पाठ किए जा सकेंगे। इससे पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण हुआ था, 21 जून को सूर्य ग्रहण है और 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण होगा। 5 जून और 5 जुलाई के चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व नहीं है, क्योंकि ये माघ चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण में चंद्रमा के आगे सिर्फ धूल सी छा जाती है। इस तरह 30 दिन में 3 ग्रहण का दुर्लभ योग अब 119 साल बाद बनेगा। साल 2139 में 11-12 जुलाई की रात चंद्र ग्रहण, 25-26 जुलाई को सूर्य ग्रहण और इसके बाद 9-10 अगस्त की दरमियानी रात में चंद्र ग्रहण होगा। उस समय भी इन चंद्र ग्रहणों का धार्मिक महत्व नहीं रहेगा। 2020 से पहले शनिवार के मकर राशि में वक्री रहते हुए ऐसे 3 ग्रहण 1962 में हुए थे। 58 साल पहले 17 जुलाई को चंद्र ग्रहण, 31 जुलाई को सूर्य ग्रहण और 15-16 अगस्त की मध्यरात्रि में चंद्र ग्रहण हुआ था। इस साल में भी चंद्र ग्रहण की धार्मिक मान्यता नहीं है। इस साल में भी चंद्र ग्रहण की धार्मिक मान्यता नहीं थी। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। कुछ दिनों बाद 1 सितंबर 1962 को ईरान में भारी भूकंप आया था। 2020 में भी ऐसे ही ग्रहण हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं और आगे भी इसका खतरा बना रहेगा। ये ग्रहण भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। सभी जगह ग्रहण का समय अलग अलग रहेगा। सूतक के समय पूजा पाठ ना करें। मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने इष्ट देव का ध्यान भी कर सकते हैं। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में सूर्य से हानिकारक तरंगे निकलती हैं, जो कि माँ और बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए, जिससे कि पका हुआ खाना ग्रहण के कारण अशुद्ध होने से बच जाए। ग्रहण खत्म होने के बाद घर की सफाई करनी चाहिए। घर में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्नान कराना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए।